आज के क्लास हम सीखेंगे आ की मात्रा, यानी कि नीचे लिखे गए व्यंजनों में आ की मात्रा लगाकर नए शब्द बनाने हैं। ठीक है, मैं अभी कुछ शब्द यहाँ पे लिखती हूँ और कुछ वर्ड्स यानी कि एक अक्षर लिखती हूँ, उसको आपको क्या करना है, एक्सरसाइज के तौर पे घर में सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगी आ की मात्रा लगाकर आपकी मात्रा लगाकर नए शब्द बना लिए। जैसे उदाहरण के लिए तो से तारा, तारा उसी तरह पहला वाला जो अक्षर है वो है य, दूसरा वाला जो है म, तीसरा वाला जो है र, चौथा वाला जो है व, उसके बाद है प, ठीक है। यह है उदाहरण के लिए। अभी मैं यहां पे लिखती हूं यारा, यारा मीन्स फ्रेंड, म मीन्स माला मीन्स नेकलेस, ठीक है माला, उसके बाद र राजा, व वाणी, उसके बाद क है पालक। ये देखिए ये जो है आ की मात्राएं मैंने यहाँ पर लगा दी है। ठीक है, आ की मात्राएं मैंने यहाँ पे लगा दी है। अभी मैं आपको यहाँ पे कुछ अक्षर देती हूँ, उसको आपको आ की मात्रा लगाकर लिखने हैं। ठीक है, पहला वाला जो है ध, दूसरा वाला जो है श, तीसरा वाला जो है अगेन म, चौथा वाला जो है स, पांचवा वाला जो है प, छठा वाला जो है र। ऐसा नहीं है कि एक ही अक्षर आते हैं करके, ऐसे नहीं, बहुत सारे अक्षर आते हैं, आपको ढूंढकर लिखना है। ठीक है, सातवां अक्षर है त, आठवां अक्षर है ग, ये हो गए आठ अक्षर। अभी आपको इनके मात्रा लगाकर आपको लिखना है। ये हो गया आ का नए शब्द बनाना, आ मात्रा से आ मात्रा को लगाकर नए शब्द बनाना, ये हो गया। अभी इसके बाद जो आता है वो है यहाँ देखिए दूसरा नंबर पे आता है आ मात्रा की, माफ कीजिए, आ मात्रा से खाली जगह भरी है, आ की मात्रा से खाली जगह भरी है। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ शब्द लिखती हूँ, ठीक है,
आपको यहाँ पे आ की मात्रा लगानी है। दूसरा वाला जो है म ल डैश, तीसरा वाला जो है क पांचवा वाला जो है यहाँ देखिए उदाहरण के लिए यहाँ पे क्या है र की आ की मात्रा यानी कि ये इतना ही लगाना है, ये इतना ही लगाना मीन से यहाँ पे आ आ यहाँ पे क्या होता है रा जा करेक्ट यस इस तरीके से आपको भी लिखना है। ठीक है यहाँ पे देखिए आ माला सही है आ काला गाना ना ला ना ला इस तरीके से आपको लिखना है। अभी मैं आपको एक होमवर्क के लिए देती हूँ जो वर्ड्स है स पहला वाला अक्षर है स र ठीक है दूसरा वाला जो है व ज तीसरा वाला जो है वाला जो है छठा वाला जो है सातवा है आ इधर देखिए ऑलरेडी ओ है क है और श ठीक है यहाँ पे आ की मात्रा नहीं लगाई गई है। ठीक है यहाँ पे एक ही वर्ड आता है आठवां अक्षर जो है स ये हो गई है आ की मात्रा यहाँ आपको घर बैठ के सॉल्व करनी है। अगले क्लास में हम कुछ नया वाला सीखेंगे यानी कि अक्षरों को आ मात्रा से अलग करके लिखना हम सीख लेंगे। तब तक के लिए आपको ये क्या करना है ठीक से अपने क्लासवर्क में उतारना है। आज के लिए इतना ही धन्यवाद।